हेलो एवरीवन वन हाउ यू ऑल आई होप यूर डूइंग वेरी वेल सो माय डियर एस एसबीआई क्लर्क बस अब आने वाला है ठीक है एंड आई होप कि आपको अब हर दिन रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं होगी आप खुद इतने रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे सो गुड मॉर्निंग माय डियर एस पेरेंट्स यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं ना वो यही होते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक्स में मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं थर्टी फोर्टी यहाँ पर बिल्कुल अटक गए ठीक है तो ऐसा क्या किया जाए कि मॉक्स में हमारे मार्क्स बढ़े ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि एनालिसिस कैसे की जाती है ठीक है किन चीजों को आपको देखना होता है उसमें लेकिन यहां पर इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हो सकता है वो चीजें आप अभी नहीं देख पा रहे होंगे इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे ओके

सेंटाइल बढ़ना चाहिए ठीक है एटी नाइनटी से ऊपर ही आपका परसेंटाइल होना चाहिए फॉर योर फाइनल सिलेक्शन ओके उसके बाद आपको खुद को कंपेयर करना होता है विथ योर लास्ट परफॉर्मेंस वहां पर वीक एरियाज वगैरह जो भी बताई जाती हैं कि आपके वीक एरियाज ये हैं या जहां पर आप पुअर हैं इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है कि कौन से एरियाज में आप एक्सीलेंट हैं एवरेज हैं पुअर हैं तो अपने उन वीक एरियाज से आपको वर्क करना है ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ मॉक टेस्ट ले लिया लगा लिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है नेक्स्ट डे आपको उसके ऊपर वर्क करना होता है ओके एंड एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है क्या वो आपका फिफ्टी सिक्सटी ऐसा तो नहीं जा रहा है मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर रहे हैं okay? तो अपनी एक्यूरेसी पे भी आपको ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 90 परसेंट से ऊपर होनी चाहिए क्वांट और रीजनिंग में आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपको ध्यान देना है ओके okay? वो तो कुछ भी सीखते हैं ना एक से, उसको अपने नेक्स्ट मॉक में आपको उन लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है ओके चैप्टर आपका वीक है उसको नेक्स्ट डे पढ़ना स्टार्ट करिए और फिर देखिए कि वो चैप्टर आपसे नेक्स्ट वाले मॉक में बन रहा है या नहीं ये होती है ना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नेक्स्ट मेक श्योर यू आर नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट चीज कि कई बार क्या होता है कि हम एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट ओके अगर आप उस मिस्टेक को अपनी सुधार लेंगे तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट आएगा ही ना धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी सारी मिस्टेक्स रेक्टीफाई हो जाएंगी सो मेक श्योर यू आर नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक्स इनकरेक्ट वाले जो कॉलम होते हैं ना उसको देखिए कि आपसे चीजें कहां पर गलत हो रही है और उस पर आपको आज से वर्क करना स्टार्ट करना है एक पेपर लीजिए वहां पर आप नोट डाउन करिए कि मुझसे कौन सी चीजें गलत हुई इस बार तो आप उस पर फोकस करिए कि मेरे से वो चीजें आगे जाके गलत ना ओके वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप ध्यान नहीं दे पा रहे इस चीज को ध्यान दीजिए ओके okay? एस आई टोल्ड यू नीड टू वर्क ऑन योर वीकर एरियाज द नेक्स्ट डे ओके स्पीड इज द बिगेस्ट इश्यू ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं ओके डू नॉट जज और अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ ऑन द बेिस ऑफ नॉलेज इट इज मेनली द स्पीड समटाइम्स वेर यू नीड टू वर्क ऑन ओके सो वर्क ओवर स्पीड कैसे आप अपना स्पीड को बढ़ा सकते हैं क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका स्पीड बढ़े इसके लिए वर्क करिए क्योंकि प्रिलिम्स में ना स्पीड ही मैटर करता है कॉन्सेप्ट आप सीख ही जाते हैं लेकिन स्पीड ही है वो जो लोगों को इधर और उधर ले जाता है कट ऑफ के ठीक है सेक्शनल मार्क्स देने हैं आप सिर्फ ओवरऑल मार्क्स देते हैं उसके बाद उसी पे डिपेंड हो जाते हैं नहीं करना है ऐसा कोई अगर आपका ज्यादा वीक सेक्शन है तो उस पर आपको एक्स्ट्रा सेक्शनल मार्क्स देने हैं मैंने इंग्लिश के लिए तो आपको हमेशा ही बोला है कि आपको हर दिन अपने शेड्यूल में सेक्शनल मार्क्स को इंक्लूड करना होता है वहां से क्या होता है ना आपका ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है जब आप अपने एक सेक्शन को फोकस करते हैं ठीक है तो सेक्शनल मार्क्स वगैरह देना स्टार्ट करिए एंड अब एसबीआई क्लर्क आने वाला है एंड इसी तरीके से आगे एग्जाम सीजन बिल्कुल ऑन हो जाएगा ठीक है इस समय पर आपके पास अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होने चाहिए और मैंने आपको हमेशा बोला है कि दो सोर्सेज अपने पास जरूर रखिएगा तो कोई भी दो सोर्सेज लीजिए अभी गाइडली पे भी ऑफ चल रहा है वहां से प्लेटिनम मॉक पैकेज अगर आप ले लेते हैं ना तो वहां पे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपके पास हो जाते हैं तो वहां पे सेक्शनल मॉक्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है कि कहां से आप अवेल कर सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा अगर आप अभी तक नहीं लिया है मॉक टेस्ट तो जाकर परचेज कर लीजिएगा ठीक है एक्शनल मॉक्स आर द बेस्ट वेज टू इंप्रूव और वहां पर सेक्शन मॉक आपको मिल जाएगा ओके विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑन योर वीकर एरियाज यू आर जस्ट टेकिंग द मॉक टेस्ट एंड दैट विल नेवर शो इम्प्रूवमेंट सो लीव दिस राइट नाउ ओके कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं लगा रहे हैं कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं समझ लीजिए मुझसे नंबर सीरीज नहीं बनता बिल्कुल रॉन्ग नंबर सीरीज जो है वो उससे नहीं बनता मुझसे समझ में नहीं आता कि कौन वाला रॉन्ग है और मैं नहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ बार बार सिर्फ मिसिंग नंबर्स प्रैक्टिस कर रही हूँ और बार बार सिर्फ हम मॉक टेस्ट दे रहे हर ऑल्टरनेटिव टेस्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आ जा रहा है और बिल्कुल मेरे फाइव मार्क्स उसकी वजह से चले जा रहे हैं तो ये नहीं करना है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे जो सेक्शन जो टॉपिक आपको वीक दिख रहा है उस पर आपको अलग से वर्क करना पड़ेगा ये नहीं कि आपने नॉर्मल एक शेड्यूल बांध लिया कि मुझे तीन ये सेशन्स से यहाँ से देखने हैं मुझे यहाँ से इस बुक से प्रैक्टिस करनी है और लास्ट है मुझे मॉक टेस्ट देना है मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो इसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो ऐसा नहीं करना है ओके नेक्स्ट टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस मतलब टाइमर बेस्ड जैसा मैंने आपको हमेशा अपनी टूलो लिस्ट में था कि आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी है ना वो टाइमर बेस्ड करनी है जैसे आप चार पजल्स बना रहे हैं तो आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरे से ये चारों पजल्स मिला करके 10 से 12 मिनट में बन जाने चाहिए नहीं भी बन रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन आप उस टाइमर को लगा के प्रिपेयर करिए कर प्रैक्टिस करिए ताकि धीरे 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 आप उस टाइम फ्रेम में आ सकें अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए या क्वेश्चंस अवेल करने के लिए तो आप एक दूसरा अपने ही घर से एक दूसरा मोबाइल भी अपने साथ में रखिए जिसमें आप टाइमर एक स्टॉप वॉच टाइमर लगा कर प्रैक्टिस कर सकें ओके ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए हमारे पास एक अलग से एक रिसोर्स हो अलग से क्लॉक हो तभी हम सारी चीज़ें कर पाएंगे ओके नेक्स्ट थोड़ा सा सेक्शन वाइज बात करते हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है डेसेस अवॉइड करनी है और दैट ज्यादा हम ये चीज इंग्लिश सेक्शन में करते हैं तो ये चीज हमें नहीं करनी ओके एंड रीडिंग हैबिट विल हेल्प योर लॉट इन इंग्लिश सो रीडिंग हैबिट बिल्कुल मत छोड़िएगा द हिंदी एटोरियल वगैरह आर्टिकल्स आपको रीड करना है ठीक है उससे इंप्रूवमेंट होता ही है इंग्लिश में फ्रेजेस वगैरह एक ऐसे सेक्शन होता है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये कि अगर ये नहीं आया तो इंग्लिश सेक्शन मेरा अच्छा रहता था और अगर ये फ्रेज समझ लीजिए फ्रेज रिप्लेसमेंट के पांच क्वेश्चन आ गए तो मेरे फाइव क्वेश्चन वहां पर पक्का उसमें से तीन गलत हो जाएंगे या इफेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो ये

कोशिश करिए कि उन अप्रोचेस को आप खुद भी अप्लाई कर सकें ओके सो दैट यू सॉल्व इट फास्ट ओके क्वांट के लिए ये है कि जो सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना फाइव 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 क्वेश्चन सबके आप प्रैक्टिस करिए हर दिन कि आपसे सेवन टू एट मिनट्स में हो सके ताकि आपके पास टाइम रहे डी के लिए मॉक्स वगैरह में ये चीजें काम आएंगी अगर हर दिन आपकी एक हैबिट होगी इनको प्रैक्टिस करने की सेवन टू एट मिनट्स में इस सबको प्रैक्टिस करें फ़ाइव 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 फाइव ट्वेंटी क्वेश्चन को ट्र, ट्राई करिए कि आपका सेवन टू तो एट मिनट्स में हो जाए और वहाँ पर ट्वेंटी क्वेश्चन तो आते नहीं है फिफ्टीन क्वेश्चन आते हैं तो आपके और जल्दी हो जाएंगे और आपके पास टाइम बचेगा कि आप डी सॉल्व कर सकें और बाकी एरिथमेटिक का पोर्शन सॉल्व कर सकें एरिथमेटिक फ़िलहाल आपसे नहीं बन रहा होगा तो आप करियर डिफाइनर ये चैनल है मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया हुआ है इस पर आप जा सकते हैं आप कोई चैप्टर सर्च करिए यहाँ पर आपका बेस्ट मतलब बेस्ट तरीके से पढ़ाया गया है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ओके So that was all for today, my dearest parents. You need to make a difference to see a difference, okay? जो डिफरेंस आप देखना चाहते हैं ना अपने मार्क्स में मॉक्स में उसके लिए आपको खुद कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी और क्या क्रिएट करनी पड़ेंगी मैंने आपको बता दी है एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर डियर्स पेरेंट्स आप जो भी नेक्स्ट पढ़ाई करेंगे ना उनमें इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपने नेक्स्ट मॉक में दिखे ओके सो दिस इज साइनिंग ऑफ यूर नवर नेक्स्ट सेशन टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग